एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. वेलकम टू अनदर व्लॉग. सो इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल, यू नो कि मैं एमएससी परस्यू कर रही थी फ्रॉम माउंट कामल कॉलेज बेंगलुरु, एंड आई एम डन विथ माय टू इयर्स एंड दिस कोर्स कम्स टू एन एंड फाइनली. सो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट माय वन लास्ट विजिट टू द कॉलेज एंड ऑफकोर्स वेकेटिंग द रूम दैट वी हैड बीन सिंस द पास्ट टू इयर्स. तो हम सुबह सुबह आ गए थे कॉलेज. हमारा था प्रेजेंटेशन फॉर आर एमएससी डिजर्टेशन. सो उस दिन हम सब ऑलमोस्ट हम सब ने एथनिक ही पहना था, तो मैंने ये कुर्ता पहन रखा था. एंड ऑफ कोर्स लास्ट टाइम था कॉलेज में, सो वी हैड टू विजिट द कैंटीन. बिकॉज अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं, आपको पता है कि हम ऑलमोस्ट रोज़ कैंटीन आते थे. वी हैव सो मैनी मेमरीज़ हेयर. तो हम सब आए कैंटीन, हमने पिया मैंगो शेक, हमने कुछ खाया, एंड उसके बाद हम अपना प्रेजेंटेशन का फाइनल लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे. एंड इट फील्स सो नॉस्टैल्जिक बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कल ही तो हम आए थे, बट या इट्स बीन टू लॉन्ग ईयर्स. एंड लाइक एवरी गुड थिंग दिस ऑल्सो कम्स टू एन एंड. एंड हमारा प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे गए, एंड उसके बाद हम निकले. एंड सिंस दिस वॉज द लास्ट टाइम कि हम कॉलेज बिल्डिंग में ऐसे एक साथ थे, तो हमने सोचा कि वी हैव टू गो टू द प्रैक्टिकल रूम जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली टाइम बिताया है. तो हम सब चले प्रैक्टिकल रूम में, अपने लैब में बेसिकली. सो चलिए चलते हैं. आज मैं भी आपको थोड़े बहुत क्लिप्स दिखाती हूँ अपने लैब के, बिकॉज़ यहाँ पे इतने सारे मेमोरीज हैं. हम सब ने एक साथ सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे ही स्पेंड किया है, उसके बाद ऑफ कोर्स कैंटीन में. सो ये देखिए, ये है हमारा लैब. उसके बाद हमने सोचा कि हम एक वीडियो शूट करेंगे ऑफ वेयर ऑल ऑफ अस वेर सिटिंग, एंड दिस वीडियो टर्न्ड आउट सो क्यूट. ये देखिए, हम सब कितने ज़्यादा इमोशनल थे. तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो वीडियो. ऑनेस्टली आई लव्ड हाउ इट टर्न्ड आउट. इट जस्ट यू नो ब्रिंग्स बैक ऑल दोज मेमोरीज. सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी. So yes, like I said, like every good thing, this also came to an end, and I'm so glad that I've met these wonderful people. Like everyone, इतने ज़्यादा अच्छे लोग हैं, and I'm glad कि they are my friends now. And I hope कि future में हम सब कभी ज़रूर मिलेंगे. हमने ये balcony में, so yes, यहाँ पर भी इस balcony में भी हमने बहुत सारा time spend किया है. तो हमने सोचा चलो चलते हैं, last बार हम सब एक साथ बैठे, हमने कुछ अच्छे photos click करे. एंड देन हम सब निकल गए थे घर जाने के लिए. मैंने कैंपस के थोड़े बहुत क्लिप्स लिए, तो चलिए मैं आज आपको अपना कैंपस भी थोड़ा बहुत दिखाती हूँ. सो यस, हम सब ने एक दूसरे को बाय बोला, एंड बहुत इमोशनल हो गए थे सब लोग, एंड बाय टू द कॉलेज एज वेल. बस उसके बाद हम चले गए घर.
सो यस, अब वक्त आ गया था, घर भी खाली करना था हमने, तो हम आए शाम को, हमने पिया चाय, जहाँ पे हम हमेशा 2 साल से चाय पीते आए हैं, एंड हम मिले स्कूबी से, इनके साथ भी हमने 2 साल काफ़ी वक्त बिताया, ऑलमोस्ट डेली हम इनसे भी मिलते थे, आप शायद मेरे पहले व्लॉग्स में यू माइट हैव सीन इट, एंड ये रहा मेरा रूम, हमने पूरा खाली कर दिया था, बिल्कुल भी वक्त नहीं था वो सब कुछ शूट करने का, तो या मैंने वैसे रूम टूर शूट किया था, आप चाहे तो आज अभी वो वीडियो देख सकते हैं। ये था प्रियंका का रूम, ये भी देखिए पूरा हमने खाली कर दिया है, एंड काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का सफ़र, बट इट कम्स टू एन एंड टुडे। सो यस, अब वक्त आ गया था वसंत नगर को बाय बाय बोलने का, जहाँ पे हमने 2 साल बिताया, काफ़ी अच्छे अच्छे मेमोरीज भी बनाए हैं, विच आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस आर गोना चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ आर लाइव्स, एंड बाय बाय टू कॉलेज फॉर द वन लास्ट टाइम, एंड उसके बाद हम निकल गए एयरपोर्ट जाने के लिए। एंड फाइनली हम आ गए एयरपोर्ट, हमारा फ़्लाइट था रात के ऑलमोस्ट 12 o'clock को, सो ये हम बैठ रहे थे फ़्लाइट में, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज़ मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, हमारा चेन्नई में लेओवर था, एंड उसके बाद था नेक्स्ट फ्लाइट, एंड हम पहुंच गए घर, एंड घर आते ही ऑफकोर्स द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू शो यू गाइज इज़ जॉय, जॉय इज़ हियर, ही वॉज़ वेरी हैप्पी, एंड इसी के साथ आई एम गोना एंड दिस व्लॉग, आई रियली होप यू गाइज लाइक इट, एंड If you did, then you know the drill. So please make sure that you like this video, share it with your friends. And if you are new to my channel, then please make sure that you hit the red subscribe button. Bye bye.